हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज आपके लिए लेके आया हूँ सैमसंग की ओर से आने वाली A6KG की वॉशिंग मशीन। आज करेंगे इस वॉशिंग मशीन का पूरा रिव्यू। सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वॉशिंग मशीन की डिज़ाइन एंड मटेरियल क्वालिटी की। तो सबसे पहले डिज़ाइन के अंदर बहुत ही अच्छा सा आपको एक लुक निकल के आता है इस वॉशिंग मशीन का। सामने की तरफ डायल मिल जाता है, ऊपर की तरफ डिटर्जेंट वगैरह सोप रखने के लिए यहाँ पर एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है, जैसे कि आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हो और बंद भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक डायल है जो कि आपके प्रोग्रामिंग पूरे के पूरे यहाँ से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे एक डिस्प्ले मिल जाता है आपको छोटा सा, और यहाँ पे भी बहुत सारे बटन्स मिल जाते हैं। सब की बात करेंगे, डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छी निकल के आती है। बाकी इसकी मटेरियल क्वालिटी की बात करें तो स्टील के अंदर पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन आपको मिलती है, तो बाथरूम के अंदर ख़राब नहीं होगी ये वॉशिंग मशीन। तो चलिए अभी बताता हूँ आपको सभी करके आपको इस वॉशिंग मशीन के एक एक फीचर। अभी इसके सभी के सभी फीचर्स की, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर मिल जाता है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जो कि इसकी मोटर की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है आपको सबसे पहले तो। और उसी के साथ जो डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज़ की है इस वॉशिंग मशीन के अंदर, इससे इन्वर्टर मोटर इस वॉशिंग मशीन की है, इससे क्या होगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम आएगी इस वॉशिंग मशीन के अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें कि आपका सोप वगैरह रख सकते हो, जैसे कि आप देख ही सकते हो। एक साइड में आप आपका सोप रख सकते हो, दूसरी साइड में जो डिटर्जेंट वगैरह हो वो भी डाल सकते हो। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर आप हाथ से पानी नहीं डाल सकते, लेकिन चुपके से बता रहा हूँ एक बात समझ लो, या इस कंपार्टमेंट से अंदर पानी डाल सकते हो, लेकिन मग वगैरह से। किसी को पता ना, मत सीक्रेट रख देना भाई, मेरे वीडियो में पता चल गया। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीढ़ियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते इसके डायल की तरफ, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ मिल रही है इसके साथ 15 मिनट क्विक वॉश, मतलब आपको अगर कहीं जल्दी है जाने की तो 15 मिनट के अंदर आपके कपड़े आप वॉश करके रख सकते हो। उसी के साथ आपको डेली वॉश आ जाता है, डेडिकेटेड एंड हाइजीनिक स्ट्रीम, सभी के सभी फीचर इसके साथ मिलते हैं। जो भी आप यहाँ पर फीचर्स लगाओगे, जो भी आप मोड यहाँ से चेंज करोगे, तो वो मोड आपको यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर दिख जाएगा, जिसकी टाइमिंग कितने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगी साइकिल, तो पूरा का पूरा इस डिस्प्ले के अंदर आपको दिख जाएगा कितने मिनट के अंदर ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो और इंटरेस्टिंग फीचर की बात करते हैं तो इसके साथ आपको हाइजीनिक स्ट्रीम भी मिलता है एंड हॉट वाटर भी मिलता है, जिसमें कि आपका सिरेमिक हीटर इनबिल्ट रहेगा इस वॉशिंग मशीन के अंदर। मतलब आपका पानी ख़राब हो या कैसा भी हो, लेकिन पानी से कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वॉशिंग मशीन के अंदर। एंड हाइजीनिक स्ट्रीम छोटे बच्चों के कपड़े धोने के लिए बहुत ही काम आती है, क्योंकि सॉफ्टली कपड़े रहते हैं छोटे बच्चों के, तो इसलिए आप पूरे जो बैक्टीरिया रहते हैं उसे क्लीन कर सकते हो हाइजीनिक स्ट्रीम के द्वारा। उसी के साथ साइड में आपको इसके अंदर जो पूरे के पूरे फीचर मिलते हैं, 10 फीचर मिलते हैं, 10 मोड है। उसी के बाद आपको कॉटन मिल जाता है, कॉटन मोड मिल जाता है। बाकी रिन एंड स्पिन, मतलब आपको सिर्फ कपड़े सुखाने हैं तो भी हो जाते हैं, ऑनली स्पिन करने हैं तो वो भी हो जाते हैं। तो ये तो था इसका डायलर, जो डायलर से आप मोड चेंज करोगे, ये तो थे इसके 10 मोड। और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले मिल जाता है, तो इसकी बात करेंगे अभी। आप यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल करोगे, आपका जो हीटर है, आपको पानी हॉट चाहिए जैसा चाहिए आपको पानी, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ये सिंपल से टच पैड करके। और साइड में चलते हैं तो साइड के अंदर आपको यहाँ पे एक स्पिन का ऑप्शन आता है, जैसे कि आपको कितने RPM पे आपके कपड़े धोने हैं, जैसे कि 400 हो गए, 800 हो गया या 1000 हो गया, आपके हिसाब से यहाँ से सेट करके आपके कपड़े धो सकते हो। मैन्युअली तो आप हाई पर ही रखिए, क्योंकि कपड़े अच्छे निकल के आते हैं हाई पे, मतलब 1000 पे आप रख सकते हो 1000 पे। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन का ये आ जाता है, इसके अंदर क्या है, आपका पानी कपड़े ज़्यादा गंदे है या आपके वाटर लेवल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी डेली हैंड वॉश भी है, टाइमर के साथ आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी शोक भी मिल जाता है आपको यहाँ पर, आप भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऊपर के साइड आपके वाटर लेवल एंड स्पिन की सभी के सभी यहाँ पे शो हो जाएगी, यहाँ पे लाइट जलेंगे पूरे के पूरे, जो वाइट डॉट दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको लाइट्स जलना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी चाइल्ड लॉक है, अलार्म सेट कर सकते हो आप जैसे कि नीचे आते हो, ये दो बटन्स आपने 3 सेकंड्स प्रेस कर दिए तो आपका चाइल्ड लॉक लग जाएगा।
बाकी ये स्पिन एंड ऑप्शन का बटन 3 सेकंड प्रेस कर दिया तो आपका जो है अलार्म वो लग जाएगा, जैसे कि हम बोलते हैं उसको ब्रेजर आता है इस वॉशिंग मशीन के अंदर एक, तो आप वो भी सेट कर सकते हो, जैसे कि आपके कपड़े धोकर सूख जाएंगे तभी आपको ये वॉशिंग मशीन एक इंडिकेटर देके बता देगी कि कपड़े सूख गए, जिसे हम ये बटन्स 3 सेकंड दबा के चालू कर सकते हैं। और साइड में चलते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑन ऑफ का बटन्स मिल जाता है, बाकी एक स्टार्ट का बटन मिल जाता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट ऑन ऑफ कर सकते हो डायरेक्टली ये वाली वॉशिंग मशीन। और नीचे की साइड चलते हैं तो आपको यहाँ पर स्टार रेटिंग मेंशन की हुई है कंपनी वालों ने, 3 स्टार रेटिंग है। आगे आपको इसका सभी के सभी फ्रंट डोर मिल जाता है, 6 kg की आती है और सबसे कम रेंज वॉशिंग मशीन है सैमसंग की ये वाली, जो कि आती है आपको अभी की प्राइस की बात करूँ तो इस वॉशिंग मशीन की आपको अभी की प्राइस फिलहाल ही में 22,990 अमेजोन पे है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको बाय करनी हो तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो चलिए अभी वॉशिंग मशीन के अंदर की भी बात कर लेते हैं, तो आपको सबसे पहले डोर ओपन कर लेते हैं, तो आप देख ही सकते हो डोर भी बहुत ही डिसेंट क्वालिटी के साथ आता है, मतलब जो मटेरियल क्वालिटी यूज़ की हुई है इस वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत ही अच्छी और तगड़ी क्वालिटी यूज़ की हुई है। ये भी ग्लास नहीं है, ये एक टफन शीट के साथ आता है, मतलब टफन ग्लास मिक्स है ये वाला, जो बोलते हैं लोग कि ख़राब हो जाता है लेकिन नहीं, ये बहुत ही अच्छी मटेरियल क्वालिटी के साथ आता है आपको। और बाकी जो मेन इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत सारे लोगों को क्या दिक्कत जाती है, ये वाला जो रबर है इससे पानी लीकेज होता है, लेकिन आपको इस सैमसंग के अंदर बहुत ही अच्छी रबर क्वालिटी इसकी मिलती है, जो कि आपका पानी कभी लीकेज नहीं होगा, पूरा का पूरा ये लॉक हो जाएगा तो लॉक ही हो जाएगा, पानी की इशू नहीं आएगी। अंदर की बात करें इस वॉशिंग मशीन की, तो आपको स्टेनलेस स्टील के अंदर डायमंड ड्रम टेक्नोलॉजी के साथ ये वाली वॉशिंग मशीन आती है, जिसे हम बोलते हैं डायमंड ड्रम टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लेडीज़ को बहुत दिक्कत आती है वॉशिंग मशीन के अंदर, क्योंकि जो साड़ीज़ वगैरह धोते हैं ना तो उसमें रेशे वगैरह निकल जाते हैं, लेकिन इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप देख ही सकते हो बहुत ही अच्छा ड्रम इस वॉशिंग मशीन का है। बाकी जो वॉशिंग मशीन के साथ कुछ पाइप्स कनेक्शन आते हैं तो इसे हम साइड में रख देते हैं फिलहाल, तो बाकी बुकलेट है जो हम डायरेक्ट बोलते हैं इसको प्रेम पत्रिका कंपनी वाले भी देते हैं आपको, और एक पाइप आ जाता है इंडोर आउटलाइट तो लगा हुआ रहता है, इन लाइट का एक पाइप आ जाता है जो कि आपको सैमसंग की ओर से आने वाला टेक्नीशियन लगा के देगा। बाकी ड्रम की बात करूँ तो ड्रम भी बहुत अच्छा है, डायमंड ड्रम कटआउट के साथ आता है, और जो रोटर मिलते हैं इसके साथ तो आपको 360 आपके कपड़े इसमें धोए जाएंगे, इसलिए मटेरियल क्वालिटी वॉशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है इस वॉशिंग मशीन के अंदर, आपको वॉशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, 6 kg की वॉशिंग मशीन है। और जहाँ तक सैमसंग ब्रांड की बात करें तो आपको कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है सर्विस वगैरह को लेकर, बहुत ही अच्छी वॉशिंग मशीन निकल के आती है। अगर आपको बाय करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी बाय कर सकते हो। और भाई सच में बताऊँ, मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने अभी तक बहुत सारे वॉशिंग मशीन देखी है, लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर इतने बढ़िया बढ़िया फीचर सिर्फ यही वॉशिंग मशीन दे रही है, तो आप इसे डायरेक्टली बाय कर सकते हो। और दोस्तों बात करें इस वॉशिंग मशीन की बैक की, तो बैक के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पावर के लिए पोर्ट मिल जाता है, पावर केबल है जो यहाँ पर लगी हुई है आप देख सकते हो। बाकी ये स्टिकर में आपको मॉडल नंबर सीरियल नंबर आपका मेंशन रहेगा, बाकी पीछे की साइड भी वॉशिंग मशीन पूरी की पूरी पैक वॉशिंग मशीन आएगी। जो आपको ये पाइप दिख रहा है ये है इसका आउटलाइट, एंड यहाँ पर जो पोर्ट है ये है इन लाइट, यहाँ पर आपका पाइप लगेगा जो सैमसंग की ओर से टेक्नीशियन आएगा जो आपको लगा के देगा ये वाला पाइप। तो भी फीचर्स है इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो कि आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर मिलते हैं, जैसे कि हाइजीनिक स्ट्रीम हो गया और डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स भी है इस वॉशिंग मशीन के अंदर। और बात मेन जो प्राइस रेंज की है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सैमसंग की ओर से चीपेस्ट वॉशिंग मशीन सिर्फ एक लोथी वॉशिंग मशीन है, क्योंकि मेन तो आपको 6 kg मिल रही है एंड प्राइसिंग भी आपको 23,000 के अंदर आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मिल रही है, जो कि भाई सैमसंग के अभी के जो लेटेस्ट मॉडल है वो ही 6.5 kg के भी अगर आप लेने जाओगे टॉप लोड वाला मॉडल तो आपको 25,000 या 24,000 के आसपास जाएगा वो, लेकिन तो फिर उससे अच्छा फ्रंट लोड आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको लगे तो वहाँ से बाय कर सकते हो। वॉशिंग मशीन बहुत ही अच्छी है, आपको लेना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही,
और फीचर्स की बात करूँ तो फीचर बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिलते हैं, जो कि आपको सबसे मेन बात आपको डीजल इन्वर्टर मोटर मिलती है, तो उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत बचने वाली है। तो भाई मतलब फीचर भी सब कुछ है और वॉशिंग मशीन भी बहुत बढ़िया है, आपको लगे तो आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नए किसी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।